I saw her and she hit me like, I be like, why you so fine? Hello guys, तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, आज हमारा ताल में दूसरा दिन हो गया है। कल तो गेहूँ कटवाने के बाद चले गए थे घर, बहुत धूप धूप लग गई थी, तो हम लोग आ जाए हैं फिर तो अच्छी तरीके से बोझा वोझा बांधने के बाद। फिर उसके बाद बोझा को इकट्ठा किए हैं, देखिए यहाँ पे बोझा को इकट्ठा किए हैं और ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किए हैं। अभी ट्रैक्टर वाला आधी घंटा बोला है, तो इस समय तो आधी घंटा बोलेंगे तो दो घंटे बाद आते हैं, अभी कन्फर्म नहीं है कब तक आएँगे, तो वेट करते हैं उनका। फिर उसके बाद तो गाइस चलिए, फाइनली ट्रैक्टर वाले ने कॉल किया था और कि आधे घंटे में आपके खेत में मैं पहुंच जा रहा हूं, तो चलिए वेट करते हैं अभी। अगर देख रहे हैं कब तक आधे घंटा बोला है, लग रहा है आ जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक लोग बता रहा था दा रहे हैं, तो वहां से अभी गर्दा उधर उठ रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए वेट कर लेते हैं, जहाँ दो घंटे तीन घंटे वेट कर लिए हैं और कर लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए हैं और इसका नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसका इसका हम लोग निक नाम रखे हैं चंडी, चंडी नाम है। और इधर किशन सावन बैठी हुई है और देखिए यहाँ पे गला लगा कर हम लोग वेट कर रहे हैं। और फाइनली देखिए, जितने भी हमारे सैनिक हैं यहाँ पे, इन सबों को बाल बीनने के लिए लगाया हूँ। हाल ही जितने बाल हैं हाल ही बीन कर और इसे यहाँ पे ट्रैक्टर लगेगा, तो इन सबों को लगाए हैं जल्दी जल्दी बीन कर और साफ़ कर रहे हैं अली अली। और तो गाइस फाइनली हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है अब धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया, और देखिए ट्रैक्टर आ रहा है और अब दमा जाएगा हमारा गेहूँ। किसान के लिए सोना है। और ट्रैक्टर वहाँ पे आ गया, तो गाइस देखिए फाइनली यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है खेत में। और इसके बाद हम लोग चले तिरपाल पर बिछाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट कराते हैं दौरी को। यहाँ पे मार साहब भी आ गए और इधर सावन और सावन अमन कुलदीप आ रहे हैं और तिरपाल पर बिछाएंगे सब। यहाँ पे देखिए तिरपाल पूरा अच्छी तरीके से बिछाएंगे, फिर उसके बाद गेहूं ना गिरे। तो गाइस फाइनली अब स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोग अच्छी तरीके से प्लास्टिक बिछा दिए हैं और अब स्टार्ट होगी मशीन। स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे दमाने लगा, फाइनली इतना खत्म हो चुका है बोझा और अभी आधे घंटा लगेगा खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए धमराज भाई और रामविलास शाह जी आ गए हैं, यहाँ पे इनका भी दाना है और इधर अभी भर उड़ रहे हैं सर। तो
गाइस देखिए धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है अब, और यहाँ पे लाइट जल गई है, और देखिए सूरज भी टूटा है, अभी सूरज टूटा नहीं, बादल अभी लग गया है ना सही, तो गाइस फाइनली अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए पूरा अंधेरा हो गया ताल में हम लोग बस हैं, और लगता है 11-12 बज जाएगा, भूसा वूसा सब आज ख़त्म करना है ढोकर हम लोगों को। तो गाइस फाइनली गेहूँ दमा चुका है और टाली भी आ गई है, तो गाइस यहाँ पे इतना भूसा हो गया और हम लोग इसमें भरेंगे, टाली में टाली भी आ गई है, यहाँ से अपना गेहूँ है। तो गाइस देखिए भूसा लाते लाते अंधेरा हो गया है, और देखिए टट्टर अभी हम लोग लेके जा रहे हैं, अभी 7:30 का 8 बज गया है, और देखिए यहाँ पे भूसा, ट्रेन भी जा रही है, पूरा